नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मेरे पास देख सकते हैं आप दो बोर्ड है, एक ये बीटी वाली बोर्ड है और एक नॉन बीटी वाली नॉर्मल बोर्ड है। तो ये दोनों बोर्ड के कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्त, ये एक बीटी वाली 4440 के बोर्ड है ना, इसमें बीटी इंक्लूड है। ये वाला सेक्शन जो है ये बीटी है ना, और ये वाला सेक्शन जो है वो एम्पलीफायर है। ये 4440 का बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं ये बेस और ट्रेवल्स की वॉल्यूम लगी हुई है, और ये आपके मेन वॉल्यूम कंट्रोल है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये इसका इनपुट है, इनपुट वन, इनपुट टू, ये ग्राउंड है, और इस बीटी का जो आउटपुट है वो ये है। ये बीटी का आउटपुट है और ये एम्पलीफायर का इनपुट है, इनपुट वन है, इनपुट टू है, ठीक है। यह बीच में ग्राउंड है, ब्लैक वायर जो दिख रही है ग्राउंड है, और ये वाला जो आप देख रहा है ये 5 वोल्ट DC आउटपुट है ना, ये यहाँ पे 7805 लगी हुई है, ये इसकी 5 वोल्ट DC आउटपुट है जो USB बीटी पैनल के लिए है। और हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बहुत आसान है, दोनों प्लेट को कनेक्ट करना एक साथ। तो हम क्या करेंगे, इसी प्लेट का बीटी से ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, इसका जो बेस टेबल्स है इस बोर्ड में भी काम करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये इस बोर्ड का, ये देखिए, ये इस बोर्ड का इनपुट वन है, इनपुट टू है, ठीक है। ये 12 वोल्ट DC है, ये ग्राउंड वायर लगी हुई है ना, ये इसका इनपुट है। इस इनपुट के साथ हमने देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम भी लगा दिए हैं, तो वॉल्यूम में यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन है। देखिए ये डबल टोन की वॉल्यूम कंट्रोल है ना, तो यहाँ पे ये ग्राउंड यहाँ लगी है, और इनपुट वन, इनपुट टू यहाँ पे लगी है, और ये दो लेग जो वही बचा हुआ है वॉल्यूम का, दो पिन यहाँ पे हमने दो वायर लगा दिए। तो इसको हम क्या करेंगे, आप ये वाली जो आपका 4440 वोल्ट है, इसका जो बीटी सेक्शन है, बीटी सेक्शन ये है, बीटी सेक्शन से जो आउटपुट निकला है बस इसी से हमें इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस वाली बोर्ड का, जब भी हम इस वाली बोर्ड का बेस को या टेबल्स को कम करेंगे या तेज करेंगे, तो इस बोर्ड का भी बेस टेबल कम तेज होता रहेगा, है ना। तो दो आईसी ये टोटल 4 IC वाला प्लेयर बन जाएगा ये, है ना, बहुत आसान है। तो मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, है ना, और फिर आपको इसको प्ले करके भी सुना दूंगा। तो हम क्या करते हैं, आप इसके कनेक्शन कर ले, ये इसका देख सकते हैं यहाँ पर है, ये जो डाइवर्टर लगी हुई ये यहाँ पर है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है ना, ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ लगना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो बैटरी का कनेक्शन हम यहाँ लगाएंगे, और इस पर भी स्पीकर कनेक्शन नहीं है तो इसके भी अपन स्पीकर लगा लेंगे। स्पीकर देख सकते हैं यहाँ पर लगना है, ये स्पीकर वन है, ये स्पीकर टू है ना, एक स्पीकर के बाहर यहाँ लगना है और एक बार यहाँ पर लगना है, एक स्पीकर के बाहर यहाँ पर लगना है, एक यहाँ पर लगना है। और ये तो मैंने आपको बता दी, आपका 12 वोल्ट DC इनपुट है और ये आपका ऑडियो इनपुट है। तो हम जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक कैबिनेट में इसको फिट कर लेते हैं ना। तो हमारे पास एक कैबिनेट भी है, ये देख सकते हैं ये वाली कैबिनेट है हमारे पास, इस वाली कैबिनेट में हम इसको फिट करेंगे, ये दोनों बोर्ड को, इस दोनों बोर्ड को हम इस वाली कैबिनेट में फिट करने वाले हैं। 4440 के 4 IC वाला प्लेयर बन जाएगा, है ना। हम जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेते हैं ना, स्पीकर के वायर के कनेक्शन कर लेते हैं और पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास कनेक्शन वायर है, हम दोनों प्लेट के लिए दो अलग अलग कनेक्शन वायर के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मशीन की 4 स्पीकर के आउटपुट है, इसीलिए हमने 2 कनेक्शन वायर लिया है और दोनों कनेक्शन वायर अपन इसमें लगा लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जो अपना मेन बोर्ड है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो मेन बोर्ड है, मेन ऑडियो बोर्ड है इसको तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे पास ये जो मेन ऑडियो बोर्ड है इसके कनेक्शन कर लेते हैं, है ना। हम सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये जो मेन ऑडियो बोर्ड है इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो हम लगा लेते हैं, सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव वायर लगा देंगे, मेन प्लस पॉइंट है ये, है ना, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद स्पीकर वन की कनेक्शन हम कर लेते हैं, तो अपन सबसे पहले स्पीकर वन लगा लेते हैं, ये यहाँ पर लगना है, स्पीकर वन के एक वायर यहाँ पर लगनी है और दूसरा वायर जो है आपका यहाँ पर लगना है, ये स्पीकर वन होगा। आप हमारे पास बचा है स्पीकर टू, तो स्पीकर टू का कनेक्शन भी हम कर देते हैं, वो आपका लगना है, एक यहाँ पर लगना है और एक यहाँ पर लगना है, ठीक है।
स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम हमारा ये वाला जो बोर्ड है इसकी सप्लाई कनेक्ट भी अपन इसी बोर्ड से कर लेते हैं ना। इसी बोर्ड से हम इसकी सप्लाई ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका बैटरी का कनेक्शन है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही से हम इस वाली बोर्ड का भी सप्लाई कनेक्शन कर देंगे है ना। 12 वोल्ट के जो सप्लाई कनेक्शन है इसको भी हम यही से कर देंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड को अपन ही जोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस वाली बोर्ड के लिए ये जो नॉन बीटी वाली बोर्ड है इसके लिए अपन इनपुट ले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये वाली जो मेन ऑडियो बोर्ड है, बीटी वाली बोर्ड है, इसकी बीटी सेक्शन से जो आउटपुट निकला है ऑडियो की, वही पे हम इसकी कनेक्ट कर देंगे है ना। इससे क्या होगा, हमारे ये वाला बोर्ड में जो बेस टेबल लगी हुई है उसी का बेस टेबल जैसे भी हम कम तेज करेंगे तो ये वाली बोर्ड पर भी काम करने लगेगा है ना। बेस टेबल्स का जो वॉल्यूम है वो इसी बोर्ड में है, जिससे इस वाली बोर्ड पर भी काम करेगा और इस वाली बोर्ड पर भी काम करेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, दोनों प्लेट का जो है वॉल्यूम कंट्रोल है वो अपन अलग अलग रखेंगे है ना। इसके वॉल्यूम कंट्रोल अलग रखेंगे और इस वाली बोर्ड का वॉल्यूम कंट्रोल अपन अलग रखेंगे, लेकिन बेस टेबल जो है दोनों का सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वाली प्लेट का कनेक्शन हो चुका है और ये जो हमारा नॉन बीटी बोर्ड है इसका इनपुट हमने कहाँ से लिए, यहाँ से। ये जो बीटी वाली बोर्ड है 4440 के बीटी वाली जो बोर्ड है इसकी इनपुट यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं ये लगी है, यूएसबी बीटी पैनल में लगना है। और इस वाली बोर्ड का ये आपका बीटी सेक्शन है, इसका जो आउटपुट है ये यहाँ पर है। इसके आउटपुट पे हमने इस वाली बोर्ड का जो इनपुट है उसका कनेक्शन हमने इस वाली बोर्ड का जो बीटी का जो आउटपुट सेक्शन है वहाँ पे हमने लगा दिए। इस वाली बोर्ड के जो बीटी सेक्शन है उसकी जो आउटपुट है वहाँ से हमने दो वायर कनेक्ट करके अपने ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसकी यहाँ पर हमने लगा दी है, ये देख सकते हैं। और इस वाली बोर्ड के ये इनपुट वॉल्यूम में यहाँ पर लगी हुई है, ये आप साफ देख सकते हैं ना, यहाँ पर लगी हुई है। अब इससे क्या होगा, इस वाली बोर्ड का ये बेस टेबल्स है ना, जैसे हम इसके बेस या टेबल्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, साथ में इस वाली बोर्ड का भी बेस टेबल कम और ज्यादा होगी। हम सिर्फ दोनों बोर्ड की मेन वॉल्यूम कंट्रोल है वो अलग अलग रखेंगे, उससे क्या होगा, हम दो स्पीकर को चाहे धीमे बजा सकते हैं, दो स्पीकर को चाहे तेज बजा सकते हैं ना। हमारे पास ये होगा 4 चैनल का आउटपुट, 4 IC 4440 की ये USB प्लेयर हो गए, इसका हमारा पूरे काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, तो इस वाली बोर्ड को हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। उसके बाद बाकी हमारे पास रहेगा इस वाली बोर्ड का स्पीकर कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हमारे पास है एक और ये कनेक्शन वायर, तो इस कनेक्शन वायर को भी हम इसमें लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारा जो ये नॉन बीटी वाला 4440 बोर्ड है इसके स्पीकर वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। एक स्पीकर वायर यहाँ पर लगना है और दूसरी जो है आपका यहाँ पर लगना है, देख सकते हैं ये स्पीकर 1 लग चुका है। अब हमारे पास बचा स्पीकर 2, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, एक वायर को हम लगा देंगे यहाँ पे और दूसरी वायर को हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारा स्पीकर के कनेक्शन भी हो चुका है। अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे दो वायर बच गए हैं तो हम इसको निकालते नहीं है, हम इसको भी लगा देते हैं ना, इसको भी लगा देते हैं। तो हम इसको कहाँ लगा देंगे, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ये पावर सप्लाई के कनेक्शन है, इसको हम निकालते नहीं है ना, इसको हम लगा लेते हैं, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। इसको हम क्या करते हैं, इसके 12 वोल्ट के सप्लाई का यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट को हम यहाँ लगा देते हैं और जो नेगेटिव पॉइंट बची है माइनस पॉइंट, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, हमने क्या किया है, इसमें हमने पहले से ही सप्लाई कनेक्शन है इस बोर्ड से हमने ले लिए, ये देख सकते हैं आप, ये वाला वायर जो है आपका, ये इससे हमने सप्लाई कनेक्शन पहले से ले लिए। अब हमारा जो ये जो कनेक्शन वायर है इसमें भी, इसमें दो स्पीकर का वायर है और एक सप्लाई कनेक्शन पहले से ही है, तो हमने क्या किया, उसको भी हमने इसी में लगा दिया। अब हमारे पास क्या होगा, डुअल सप्लाई होगा, किसी भी एक की अपन कनेक्शन वायर में DC लगा देंगे बैटरी का कनेक्शन, तो उससे दोनों प्लेयर चलने लगेगा। आप चाहे तो किसी एक में लगा दिए चाहे दो में लगा दिए, हमने यहाँ पे कॉमन भी लगा दिए, दो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक एक्स्ट्रा अपन ने यहाँ पे भी लगा दिया। अब हमारे पास होगा ये डुअल सप्लाई है ना, दो सप्लाई होगा। आप किसी भी बोर्ड के एक सप्लाई में आप कनेक्शन करेंगे तो दोनों बोर्ड आपका चालू हो जाएगा। USB BT पैनल के लिए 5 वोल्ट DC आउटपुट है, इस बोर्ड का वॉल्यूम कंट्रोल है और ये इस बोर्ड की वॉल्यूम कंट्रोल है। अब हमारे पास हो गए दो अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल, एक वॉल्यूम कंट्रोल से दो स्पीकर बजेंगे, इस वॉल्यूम कंट्रोल से दो स्पीकर बजेंगे, लेकिन इनका जो बेस टेबल्स है दोनों बोर्ड के
बेस टेबल जो है वो सेम है, एक ही बोर्ड से कंट्रोल होता है बेस टेबल्स, है ना। लेकिन ऑडियो आउटपुट का जो लेवल है उसके लिए हमने दो अलग अलग वॉल्यूम लगाए हैं। समझ गए आप सब कुछ। इसकी जो बीटी सेक्शन है, इससे बीटी सेक्शन से जो आउटपुट है उसके आउटपुट का हमने इसमें लिया है। दोनों बोर्ड के दो अलग अलग आउटपुट है, दो स्पीकर इससे बजेंगे, दो स्पीकर इससे बजेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, 44-40 की चार आईसी वाली प्लेयर ये कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें पैनल लगा लेते हैं और ये बेस टेबल वॉल्यूम कंट्रोल फिट कर लेते हैं और इनमें स्क्रू लगा के इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीटी पैनल भी लगा लेंगे, यूएसबी बीटी पैनल, और फिर हम इसको बैटरी से आपको प्ले करके इसकी आवाज़ सुना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हमने दोनों प्लेयर को कैबिनेट में लगा दिए है ना। जो मेन बीटी वाली बोर्ड है उसको हमने यहाँ पे लगा दिए और नॉन बीटी वाला जो बोर्ड है उसको हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। और ये आपका बेस यहाँ पे लगा दिए, ये बेस है, ये टेबल्स है। बीटी वाली बोर्ड का जो मेन वॉल्यूम कंट्रोल है उसको हमने यहाँ पे ऊपर लगा दिए और इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसको हमने यहाँ पे नीचे लगा दिए, है ना। ये मेन बोर्ड की वॉल्यूम कंट्रोल है और नॉन बीटी वाली जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसकी वॉल्यूम कंट्रोल है और दोनों का कॉमन बेस टेबल से जो कि इस बोर्ड पे है ना, इसी की बेस टेबल हमने इस बोर्ड पे भी लिए। ये आपका चार आउटपुट है, देख सकते हैं ये 12 वोल्ट डीसी इनपुट है, एक स्पीकर ये होगा, एक स्पीकर ये होगा। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से हम इसमें चार स्पीकर के वायर लगा लेते हैं और इसमें बैटरी का कनेक्शन लगा लेते हैं और फिर हम इसको प्ले करके इसके साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें हमने चारों स्पीकर लगा लिए हैं, अब हम इस पे बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब हम इसमें लगाते हैं पेन ड्राइव, ठीक है। आपका जो मेन बीटी वाली बोर्ड है इसकी साउंड है ये, है ना। ये वाली वॉल्यूम जो है, ये वाली बोर्ड की है, साउंड बज रहा है अभी। इसका वॉल्यूम अभी हमने खोला नहीं है, इसका वॉल्यूम अभी बंद है, ठीक है। तो आप एक नंबर बोर्ड की वॉल्यूम को अपन कम करते, ठीक है, कम कर दिया। अब हम प्ले करते हैं ये वाला जो नॉन बीटी वाला बोर्ड है इसकी आवाज़ खोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, इसी बोर्ड का जो बेस टेबल की वॉल्यूम है वही इस बोर्ड पे भी काम कर रहा है। देखिए दोनों बोर्ड पे ये कॉमन बेस टेबल पे है ना। अब दोनों अपन साथ में चला करते, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अभी चार राशि वाली मशीन हमने बना ली है, जिसके चार आउटपुट है ना, और इसकी कॉमन बेस टेबल्स है ना, जो बेस टेबल्स है वो कॉमन है इसी बोर्ड से है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप पूरे कनेक्शन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।